अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमीन्स किचन। जैसे कि आजकल शादियों का सीज़न है, बहुत सारे लोगों को ये फ़िक्र होती है और इजी भी नहीं होता कि घर में के कपड़े कैसे बनाएं कि हम सबसे यूनिक और सबसे डिफरेंट लगें। उसके लिए मैं बहुत इजी इनएक्सपेंसिव वे में आपको बताऊंगी कपड़े बनाना कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपके जोड़े भी बहुत अच्छे और सब में डिफरेंट लगेंगे। तो सबसे पहले, जैसे बहुत सारे घरों में मिलाद या कुरान खानी से शादी की तकरीबात का आगाज़ करते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा कलर वाइट, क्योंकि एक प्योरिटी का कलर है। आप वाइट, ये मैंने जो लिया है उसको देखें, मैंने शिफॉन लेके प्योर शिफॉन इस तरह का मिल जाता है। बहुत सारे डिज़ाइंस और कलर्स होते हैं, ये डाइएबल कलर कपड़ा होता है, तो आप लेके, मैंने इस पे ये डार्क ब्राउन जिस तरह की, ये बीच में कॉपर की ये आ रही है टुकड़ी बीच में, ये वाली, उसको मैंने लेके उसके साथ का ही गोटे का काम करवाया है। मरोड़ी गोटा इसको कहते हैं। अगर आपको काम करवाने का टाइम है तो आप काम करवा लें, अगर काम करवाने का टाइम नहीं है तो आप तो लेसें गोटे की ऑलरेडी उधर से मिलती हैं। और देखिए, बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं है क्योंकि ये कपड़ा ही इस तरह का है, बिल्कुल रीज़नेबल है। गले पे बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह है, स्लीव्स पे हल्का सा है और दामन पे है, और ये दुपट्टे के साइड्स पे है। साथ मैंने वाइट ट्राउज़र ले लें, आप शलवार ले लें, ये इस तरह आप एक कुरान खानी या मिलाद के लिए आप अपना एक बहुत अच्छा, बहुत जल्दी में और सस्ता और सबसे यूनिक सूट बना सकते हैं। ये देखिए, अब कुरान खानी या मिलाद के सूट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मेहंदी का सूट किस तरह आप बना सकते हैं। अच्छा, ये कलर इसका ब्लू आ रहा है लेकिन इसका बिल्कुल बॉटल ग्रीन कलर है। मैंने ये क्रिंकल शिफॉन लिया, आप प्योर शिफॉन भी ले सकते हैं। तो सिंपली मैंने गोल्डन गोटा लेके इसके ऊपर, क्रिंकल शिफॉन के ऊपर इस तरह स्क्वायर्स में या डायमंड में, या इसे बर्फ़ी टुकड़ी भी कहते हैं, उस तरह पूरे ये शरारे के ऊपर मैंने गरारे पे लगा लिया। ये देखिए, इसके जहाँ नी के ऊपर ये बेंड आता है उधर मैंने इस तरह गोटे की चार लाइंस लगवा दी हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आप घर पे खुद भी हाथ से गोटा लगा सकते हैं या आप टेलर से भी ये करवा सकते हैं। उसकी शर्ट के लिए नीचे लाइनिंग भी मैंने बिल्कुल इनएक्सपेंसिव सी ली है, बिल्कुल जो सबसे इजी भी रहती है, कंफर्टेबल भी। और अब इसकी शर्ट के लिए मैंने ये किया कि इसके कॉम्बिनेशन में ऊपर थोड़ी सी धागे की कढ़ाई कर ली है साथ गोल्डन तिल्ले से। आप ये ऑलरेडी बनी बनाई गोटे की पत्तियां लेके भी इस तरह लगा सकते हैं कमीज़ के दामन पे। दुपट्टे के लिए, क्योंकि आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है गोटे का और किरण का, मैंने गोल्डन ही थोड़ी डल गोल्ड में जो किरण था वो किरण थी वो लेके, साथ ही दुपट्टे के बिल्कुल पल्लुओं पे इजी पीजी किस्म की ये चार लाइनें गोटे की लगा ली हैं बिल्कुल सीधी सिलाई के साथ, और ये हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेहंदी का सूट तैयार हो गया। ये देखें, ये बिल्कुल बॉटल ग्रीन कलर है इसका, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा कि आपको कैसा लगा। अब ये जो जोड़ा है ये बारात के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वेलवेट का ट्रेंड तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है और बहुत ईजीली ये आपका बहुत अच्छा, नफीस और सस्ता, मतलब सस्ता तो नहीं लेकिन अच्छी प्राइस में आपका एक बहुत अच्छा जोड़ा डिफरेंट तैयार हो जाता है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, आप एक कमीज़ का पीस ले लें अपनी पसंद की कलर का, वेलवेट का, मैंने ये ब्लू चूज़ किया है। इसके साथ ही उसका कॉम्बिनेशन जो भी आता है, स्किन हर कलर के साथ चला जाता है और ये फिर लाइट कलर्स में भी आ जाता है ना, रात के फंक्शन पे, क्योंकि बेस इसकी डार्क है, आप रात को पहन लें, लेस आपने लाइट कराई है तो आप दिन के फंक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके साथ मैंने इसी तरह वेलवेट पे ही बनी हुई लेस ली थी कॉम्बिनेशन, वो लगा दी है इसके ऊपर, आप काम करवा सकते हैं या जिस तरह भी। साथ ही मैंने कॉम्बिनेशन में स्किन और ब्लू में जामावार का ट्राउज़र लिया है साथ, और इसके अंदर ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ी सी लाइनिंग भी लगवा ली थी क्योंकि जामावार थोड़ा सा ये चुभने वाला था, हो रहा था ये। फिर मैंने दुपट्टों के लिए इसके साथ क्या किया कि सिल्क के दुपट्टे लिए, सिल्क के मैंने दो दुपट्टे लिए, उनको बीच में सिलाई करके जोड़ा है और इनको टाई एंड डाई क्रश करा लिया था। ये देखिए, टाई एंड डाई आप क्रश करा लें, उससे ये कि दुपट्टा थोड़ा उसकी लेंथ ज़्यादा, उसकी विड्थ अच्छी हो जाती है। और जब क्रश कराने के बाद मैंने उसके दामन पे भी इसी तरह लेस लगाई बीच में थोड़ा सा क्रोशिए का काम करा के, और बाजुओं के स्लीव्स भी फुल स्लीव्स रखे हैं, बल्कि थ्री क्वार्टर के साथ चूड़ियाँ वगैरह पहन होती हैं, बिल्कुल इसी तरह वही काम, जो बिल्कुल हल्का सा देखे स्टोन का काम है बीच में, बीच में बीड्स हैं, थ्रेड है, नॉर्मल थ्रेड है, ये कोई शाइनी या इस तरह का तिल्ले वाला काम नहीं है।
तो इस तरह आपका एक बहुत अच्छा बारात के लिए, बारात के फंक्शन के लिए जोड़ा तैयार हो जाता है। आप कोई भी कलर का वेलवेट यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो जोड़ा है ये मैंने वलीमे के उसके उस पे बनाया है, ये भी बहुत नफीस है। इसमें भी मैंने वेलवेट का ही यूज़ किया, लेकिन ये वेलवेट जो है थोड़ी लाइट है, ये उतनी हैवी वेलवेट नहीं है जो बारात के जोड़े वाली वेलवेट थी। ये थोड़ी सी लाइट वेलवेट है, थोड़ी आप वो वेलवेट ले लें अपने पसंद की कलर की। साथ ही ये सीक्वेंस वाली एक लेस मैंने लेके थोड़ी 1 इंच ऑलमोस्ट इसकी विड्थ है वो लगा ली है दामन पे और गले पे इस तरह करके, और साथ ही बाजुओं पे। अब इसके साथ मैंने बिल्कुल एक, क्योंकि मैंने गोल्ड का इसके साथ कॉम्बिनेशन किया है, इसके साथ मैंने बिल्कुल नॉर्मली बहुत इजीली पाकिस्तान में बाज़ार में मिल जाते हैं ये नेट के दुपट्टे, एक ये मैंने नेट का दुपट्टा साथ लिया और इसके साथ मैंने शरारा बनाया है। उसकी ये देखिए विड्थ कितनी ज़्यादा मैंने रखी है ये इस तरह, क्योंकि शरारे की जितनी विड्थ होती है उतना अच्छा लगता है, उतनी फाल उसकी अच्छी आती है। अब ये शरारा मैंने इस तरह बनाया है कि ऊपर मैंने ये नेट ली है, ये भी बहुत इजीली मिल जाती है पाकिस्तान में, अवेलेबल है ये बीड्स और ये थोड़े से ग्लिटर ब्लैक के साथ, और इसके नीचे मैंने लाइनिंग में ये ब्लैक और गोल्ड में मून लाइट कपड़ा जो था वो थोड़ा सिल्की उसमें लिया था, सिल्किश इसकी फॉल बनती है। नीचे मैंने ये लिया, ऊपर उसकी लाइनिंग मैंने ये बना ली नेट की, और साथ ये शर्ट आ गई वेलवेट की और ये दुपट्टा आ गया। ये वलीमे के फंक्शन के लिए आप कोई भी वेलवेट का कलर चूज़ कर लें, कोई भी, इस तरह बहुत ईजीली आपका बन जाता है और बहुत डिफरेंट लगता है, आम सब लोगों से हट के लगेगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि बहुत इजी आपके जल्दी में कपड़े बन जाते हैं। अब ये एक जोड़ा मैंने दिखाने के लिए निकाला है आप लोगों को, जैसे बहुत सारे आजकल तो पाकिस्तान में भी निकाह फंक्शन पहले हो जाता है या बाद की फंक्शन कोई ऐसे हो रहे हैं, तो उसके लिए इसके लिए देखिए बहुत ये भी इजी है। इसके लिए मूनलाइट नेट पाकिस्तान में चलती है, ये नेट का सिंपल सा नेट का दुपट्टा है, मैंने ब्लू शेड में लिया, रॉयल ब्लू शेड में ये दुपट्टा एक मैंने ले लिया दुपट्टे के लिए, और शर्ट के लिए मैंने नीचे उसकी स्लिप लगवाई, ये सिल्क मूनलाइट सी या ये शाइनिंग सिल्क है, थोड़ी सी थिक है इसकी, देखिए बैक साइड बिल्कुल प्लेन ब्लैक में है। तो इस तरह की आप सिल्क ले लें, ऊपर नेट कोई भी, क्योंकि नेट ये थोड़ी सी बन रही थी एक्सपेंसिव, तो मैंने सिर्फ शर्ट का कपड़ा लिया है फ्रंट और बैक, तो ये फ्रंट और बैक ये सेम शर्ट एक तरह की हो गई, और इसके स्लीव्स मैंने फिर थोड़े इस तरह बनाए हैं, बेल बॉटम या अम्ब्रेला कट स्लीव्स, ये फ्लावर कट भी इनको कहते हैं, कि पीछे से देखिए पूरा स्लीव आ रहा है और आगे आपने थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दिया, थोड़ा सा फूल की तरह शक्ल बन गई इसकी। ये करके फिर साथ ही ये मैंने शरारा बनवाया था प्लीट्स वाला, उसमें ये इस तरह मैंने इधर प्लीट्स डलवाए थे, ये देखिए इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, उससे उसकी फॉल भी बहुत अच्छी आती है और घेर भी बहुत अच्छा बनता है। ये भी उसी सिल्क का कपड़ा, उसी सिल्क का शरारा है जिसका मैंने स्लिप बनवाई थी अपनी नेट की कमीज़ के साथ। तो ये किसी भी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा सूट बनता है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप थोड़ा सा क्रिएटिव होके बहुत अच्छे कपड़े बहुत कम कीमत में बना के सबसे यूनिक आप लग सकते हैं कोई भी फैमिली फंक्शंस पे। अमीन्स किचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप मेरी नेक्स्ट कोई वीडियो मिस नहीं कर सकें। थैंक यू।